नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेनवा में भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन कार्य के तहत किया सैनिटाइज, साथ ही सभी लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील। सतना में क्रेशर में कैजुअल कर्मचारी की दर्दनाक मौत, धड़ से अलग हुआ सिर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सतना में गंदगी का लगा अंबार, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, रहवासी कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को करा चुके हैं अवगत। सेंधवा में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन असंतुलित होकर पलटा, मजदूरों को आई गंभीर चोट, घायल को सिविल अस्पताल करवाया भर्ती। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, फायरिंग बाज दुल्हनिया, पुलिस ने रिवॉल्वर सीज कर लाइसेंस किया निरस्त। यूपी में जिला अध्यक्ष जनाब यूनुस भाई ने हिंदू लड़की का किया विवाह, लड़की के पिता होने का फर्ज अदा कर समाज को बेहतरीन की मिसाल पेश। अंजर को मिली पेट्रोल पंप की एक और सौगात, लोगों को नया पेट्रोल पंप खुलने से बहुत राहत महसूस। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी बाबू मंसूरी की नई पहल, NH24 नेशनल हाईवे पर आम आदमियों के लिए की शीतल जल की व्यवस्था। खबर इंदौर से, जहां देश भर में डॉक्टर्स मना रहे हैं ब्लैक डे, योग गुरु रामदेव के बयानों के खिलाफ कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आगरमालवा में बैंक ऑफ इंडिया के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, जिम्मेदार बैंक के अधिकारी भी कोविड-19 का पालन करवाने के प्रति सख्त नहीं। अंजड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अस्पताल चौक में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का फूका पुतला, नारेबाजी कर लगाई पुतले में आग। सेंधवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व गृह मंत्री का जलाया पुतला, बाला बच्चन ने सांसद निधि घोषणा पर लगाए झूठे आरोप, भाजयुमों ने की मांग, बाला बच्चन इस बयान पर मांगे माफी। नेपानगर में 5000 पौधों का लक्ष्य, पौधों के पालन पोषण के लिए रोड निर्माण कंपनी RSK ने लिया संकल्प। इंदौर बिलासपुर ट्रेन में अज्ञात हमलावरों ने की लड़की की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाजापुर में इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, पूरी तरह से जली दुकान, नुकसान का नहीं हुआ आकलन। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।